जय हिंद जय भारत बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हो पिछली वीडियो में हमने जो है कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ टर्म्स सीखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे थे। आज उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम आपके सामने लेके आए एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको सिखाएंगे इमेज फॉर्मेशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा बनी गई जितनी भी इमेजेस होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा और कैसी इमेज बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए इन पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इन पॉइंट्स पर हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा तो इमेज कैसी बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होने वाली है। अगर जो ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी, आप जानते हो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कैसी रहेगी। एट सी, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सी पर रहेगा तो इमेज कैसी बनने वाली है। बिटवीन सी एंड एफ, एट फोकस, और हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी कि इनके बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कैसी बनती है, वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक, यानी कि एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप याद कर सकते हो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बच्चों को है ना थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि सर हम इसको याद कैसे करें, हम इसको दिमाग में कैसे रखें, क्योंकि बहुत लगातार इमेज डायग्राम बनाए या डायग्राम कैसे रहेंगे याद, कैसे हम उसको एग्जाम में लिख के आए, तो वो सारी बातें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले बच्चों आपको एक छोटा सा सेटअप तैयार करना है। उस सेटअप में क्या होगा, आपको मिरर बनाना है, आपको प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि बेसिक बेसिक चीजें बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाने वाले कॉनकेव मिरर का। तो सीधी सी बात है कॉनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है भाई, कॉनकेव मिरर पिछली क्लास में बता दिया था मैंने आपको, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ हो, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर होगी तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, पॉलिश मुझे इस तरफ से करना पड़ेगा। समझ में आई बात, तो यहाँ पर मैंने पॉलिश कर दिया है बच्चों। तो अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख पा रहे हो ये अंदर की तरफ, तो ये कॉनकेव मिरर है। दूसरा पॉइंट हमने बताया था आपको, इसका सेंटर बनाना है आपको, यानी कि जिसको हम पोल बोलते हैं, और पोल से जो इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करोगे आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, वो ड्रॉ करनी है आपको। तो ये मैंने पोल से जो इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है, जिसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस कहता हूँ। तो ये मेरा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। एपर्चर आपको ड्रॉ कर देना है, एमएन मैंने यहाँ पर शो कर दिया एपर्चर। अब क्या करना है बच्चों, अब हमारा जो डायग्राम है वो हमें बनाना है एट इन्फिनिटी वाला, यानी कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब बात आती है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को कैसे शो करोगे। तो आपको इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट को शो करना हो बच्चों, तो सिंपल से तरीका है क्या, आप क्या करो, जहां तक आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी है, ठीक है, उसके पीछे जाओ और यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लो यहां पर इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट का नाम आपको क्या रखना है बच्चों, ए एंड बी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो इस पोजीशन को हम बताते हैं इन्फिनिटी। अब बात आती है इसकी इमेज कैसे फॉर्मेशन होगी। यहां तक का तैयार करने के बाद बहुत सिंपल सा तरीका है क्या, सबसे पहले एक चीज याद रखना बच्चों, पहली रे, आपको रे ऑफ लाइट चाहिए। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए ना, रे ऑफ लाइट चाहिए, और जो दो रे ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्शन करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पर इमेज बनती है। तो हमें रिफ्लेक्शन कराना है और इंटरसेक्शन कराना है, तो हमें दो रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहली रे ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों, पहली रे ऑफ लाइट इस केस में हमारी कहां से, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, और जो पैरेलल जाती है बच्चों वो जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है, वो हमारी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक प्रिंसिपल एक्सिस से कट करती है, जिस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, फोकस का नाम दिया था, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो ये पॉइंट्स मैंने दोबारा डाल दिए हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है। तो यानी कि पैरेलल रे आने वाली रे जो होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब दूसरी रे का क्या करना है बच्चों, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए दूसरी रे का होना भी जरूरी है। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एक और रे ऑफ पैरेलल डाल दी बिल्कुल, ठीक है। और ये भी आप सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी है भाई, पैरेलल जो रे ऑफ लाइट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाती है, फोकस से जाती है। तो यहां पर भी क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगी। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इमेज वही बनती है जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है इंटरसेक्शन होता है रेज ऑफ लाइट का। तो अब मुझे बताओ, मैंने जो दो रे ऑफ लाइट ली बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है उसका, एट फोकस। तो यानी कि इमेज का फॉर्मेशन जो होगा बच्चों कहां पर होगा, फोकस पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो अब आ जाती है बात इसके आगे क्या करना है आपको। तो बच्चों इसके आगे आ जाता है कि हमें जो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आता है पोजिशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन क्या लिखोगे बच्चों, इमेज की पोजीशन आप इसमें बताओगे क्या, एट फोकस। फिर आ जाता है साइज, इमेज की साइज बच्चों कहां पे कैसा रहेगा, इस इमेज का साइज, इसमें पॉइंट साइज बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों कैसे पता लगा,
क्योंकि बच्चों पॉइंट साइज में मैंने इस तरीके समझा कि भाई जो हमारे इमेज का साइज होगा वो डिपेंड करेगा कि इंटरसेक्शन कितना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हुआ है, कितना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ है, ठीक है। अब लेकिन हम तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन जो हुआ है वो पॉइंट कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक ऊपर है। तो इसका मतलब है बिल्कुल पॉइंट साइज की जो है हमारी इमेज बनने वाली है। समझ में आई बात? दूसरी बात बच्चों लास्ट में आ जाता है बच्चों नेचर। ये तीन चीजें आपको बताकर चलनी है, ठीक है। नेचर, नेचर में क्या बताना होता है, नेचर में आपको बताना है कि इमेज सीधी बनी या उल्टी बनी, यानी कि इरेक्ट है या फिर वर्चुअल है, ठीक है, और क्या नाम है हमारा, रियल है या फिर इन्वर्टेड है। तो ये हमारे को नेचर में बताना होता है। बात आती है हम पहचानेंगे कैसे, तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसा बनाता है, इन्वर्टेड। और कौन से केस में क्या बनती है वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। तो इस वाले केस में इन्वर्टेड इमेज है, अब ये यहाँ पर शो नहीं हो रही थोड़ी, लेकिन नेक्स्ट वाले केसेस में क्या होगा आपको दिखाई देगी कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो जो इन्वर्टेड होती है बच्चों वो रियल होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नेचर हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको जरूर बतानी है। तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ईजी है, जैसा कि आपने देखा अभी क्या करना है, कुछ नहीं, एक दो रे लेनी है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर सेट होगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है बच्चों, तो हम इसको यहां से मिटा देते हैं। अरे यार मैंने ये ना गलत मिटा दिया, ठीक है, चलो वही सेटअप दोबारा से तैयार करना है हमारे को। क्या करना है, नेक्स्ट है ब्योंड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो बच्चों, ब्योंड सी हो, ये वाली पोजीशन पर हमें क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो वही है सेटअप, दोबारा हमें वैसा का वैसा लगाना है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, कनकेव मिरर बनाना है, और कनकेव मिरर बनाने के बाद बच्चों पोल बनाना है, पोल बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप एपर्चर शो कर दो, यहाँ पर आप एक फोकस पॉइंट शो कर दो, और यहाँ पर आप एक सी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर शो कर दो। तो ये सेटअप आपका जब तैयार हो जाए बच्चों उसके बाद क्या करना है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी से परे। तो सी से परे के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया यहाँ पर। अब बात यह आती है, इससे पहले ऑब्जेक्ट मैंने पूरा बनाया था बच्चों, वो इन्फिनिटी का केस था, इन्फिनिटी केस में ऑब्जेक्ट को पूरा मैंने ड्रॉ किया था, लेकिन अभी आप देख रहे हो बियॉन्ड सी से मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बच्चों, और हमेशा लेफ्ट साइड में ही मिरर के रखते हैं, ये हमारा कस्टम चलता है, एक रिवाज है, हर बुक में आपको ऐसा ही मिलेगा, तो वैसा ही आपको करना है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे का होना बहुत जरूरी है, दो रे ऑफ लाइट क्या करेगी आपका, उसमें इंटरसेक्शन करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो पहली रे आपको दिमाग में सेट कर लो बच्चों, आप एक चीज सेट कर लो कि पहली रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कोई भी डायग्राम हो पहली रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, पहली रे ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा सर, अब उसके बाद, अब हमें पता है बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने कि क्या, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होके जाती है। तो ये रे कहां से जाएगी बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होके जाएगी, ये आपको ड्रॉ कर दिया। अब दूसरी रे का क्या करें, ठीक है, दूसरी रे बच्चों, तो आपको दूसरी रे कैसे याद रखनी है, जैसे कि अभी आपकी ये पोजीशन किसकी है बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पर आपकी जो ये पोजीशन दिखाई दे रही है आपको, ये है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आपका एट सी। देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या है बोर्ड पे डायग्राम्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेजरमेंट आगे पीछे हो जाती है बहुत बार, ठीक है, बोर्ड पे उतने करेक्टली नहीं बनता जब आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप प्रॉपर मेजरमेंट लेके ड्रॉ करोगे तो आपका डायग्राम जो है बिल्कुल सही बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आपको पता ही है बोर्ड पे बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अब दूसरे पॉइंट कैसे याद रखोगे बच्चों, अब दूसरी रे हम कहां से पास कराएं, तो दूसरी रे बच्चों मैंने बोला आपकी पोजीशन देखो ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी, तो आपको दूसरी रे कहां से पास करानी है, सी से पास करानी है। तो दूसरी रे जब सी से जाती है बच्चों, तो जाके कहां टकराएगी बच्चों, मैं इसका थोड़ा सा मिरर को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, मिरर पे जाके टकराएगी बच्चों, और मिरर पे टकराएगी तो मैं आपको बता दूं बच्चों एक प्रॉपर्टी मैंने ये भी पढ़ाई थी कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सी पॉइंट से जाएगी तो बिना किसी डिफ्लेक्शन या फिर बिना किसी एंगल से बेंड हुए वो सीधा सी से ही वापस आ जाएगी। उसका रीजन है कि सी से आने वाली रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर बिल्कुल नॉर्मली पड़ती है और जैसे पड़ेगी वैसे ही वापस चली जाएगी, यानी कि आने का रास्ता ये और जाने का रास्ता भी ये, तो जाने का रास्ता ये, तो यहां पर इंटरसेक्शन आपको पॉइंट देखने को मिलेगा और यहीं पर क्या होगा बच्चे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर इंटरसेक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ है, तो सीधी सी बात है इमेज भी हमारी क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी। तो ये आपकी इमेज हो गई, तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, इमेज आ गई हमारी ए डैश,
और बी डैश। तो आप देख पा रहे हो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा हो गया है। तो आप चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो हमें इसके बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट है कि हमें पोजीशन बतानी होती है इमेज की। तो बच्चों जो पोजीशन है वो है क्या, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा जब बियॉन्ड सी होगा तो इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ होने वाला है। तो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। अब दूसरी चीज क्या बताते हैं बच्चों, साइज बताते हैं। तो साइज क्या है बच्चों, साइज बच्चों अभी जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है, स्मॉलर साइज। तो हम इसको बोलेंगे क्या, स्मॉलर साइज। तो बहुत से बच्चे लिख देते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है नेचर की। तो नेचर मैंने जैसे कि आपको बताया था बच्चों कि नेचर में आपको बताना होता है रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट, तो क्या बताना है आपको वो देखना है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों इमेज हमारी डाउनवर्ड यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इसका मतलब है इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड होती है बच्चों वो रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये हो गया बच्चों हमारा डायग्राम कौन सा, बियॉन्ड सी वाला। तो नेक्स्ट जो डायग्राम है बच्चों वो हमारा कौन सा है, एट सी वाला डायग्राम है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बनाते हैं बच्चों, तो इसको तो यहां से ड्रॉ कर ले, हड़ मिटा लेते हैं इसको। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा वो है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब जो नेक्स्ट है एट सी। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये जो सी वाला डायग्राम है ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम में बहुत बार जो है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ये वाला डायग्राम सबसे ज्यादा ड्रॉ करने को आता है एग्जाम में, सीबीएसई में। तो बच्चों आपको क्या करना है, वही सेम चीज सेटअप तैयार रखना है अपना, और इस पर जो है एक पॉइंट सी बना लेना है आपको, एक पॉइंट एफ बना लेना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, एट सी, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हमें डालने हैं लास्ट में जब इमेज बन जाएगी हमारी, तो एट सी। तो बच्चों ऑब्जेक्ट को रख दो एट सी, तो मैंने ऑब्जेक्ट को एट सी पर रख दिया है, ये लीजिए। अब क्या करना है बच्चों, सेम वही तरीका मैंने आपको बताया था, पहली रे पैरेलल, और जो पैरेलल होती है वो कहां से जाती है बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सारे बच्चे, और फोकस से चली गई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी फोकस से चली गई। दूसरी रे कैसे याद करोगे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट उसमें कि दूसरी रे आप ये चेक करो ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो ऑब्जेक्ट अभी हमारा काम पे बच्चों सी पर है, तो सी से नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पड़ रहा है, एफ पड़ रहा है, तो एफ से जाएगी अब हमारी दूसरी रे। तो दूसरी रे ऑफ लाइट कहां पे गई बच्चों, एफ से पास होकर सीधा मिरर पे। और बच्चों जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था क्या, कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है वो तो फोकस से जाती है, और जो फोकस से आती है वो वापस पैरेलल ही चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, समझ में, उल्टा केस है। तो यानी कि जो फोकस से गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, बिल्कुल पैरेलल जाएगी, ठीक है। अभी हमारे डायग्राम जो है थोड़े से डगमगा रहे हैं, उसका रीजन है बच्चों हम आपके बोर्ड पे एग्जाम डायग्राम बना रहे हैं, तो बोर्ड पे आपको पता ही है लाइंस वगैरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो उसकी आपको ज्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो यानी कि ये जो इंटरसेक्शन है बच्चों वो कहीं ना कहीं कहाँ पे होने वाला है, वो इंटरसेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं आपका होने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नीचे होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, सी के नीचे होगा, ठीक है। तो अभी जो है डायग्राम हमारा सी के नीचे बन नहीं पा रहा है, लेकिन बच्चों ये आपका कहाँ देखने को मिलता है, इंटरसेक्शन सी के ठीक नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। जब आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, तो सी के नीचे आएगा ये। तो इंटरसेक्शन हमारा कहाँ पे होगा बच्चों, सी के नीचे होगा, और सी के नीचे जब इंटरसेक्शन होता है बच्चों तो हमारा डायग्राम कहाँ पर बनता है, सी पर ही बनता है। तो इमेज हमारी कहाँ पे आ गई, ए बी सी पर आ गई, और ए डैश बी डैश ये भी सी पर आ गई। तो यानी कि पोजिशन की अगर मैं बात करूँ, तो पोजिशन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो पोजिशन कहाँ पर रहेगी, एट सी। साइज कैसा रहेगा बच्चों, यहां पर साइज की बात यह है बच्चों, जब सी पर इमेज बनती है तो साइज सेम साइज रहता है, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह ही साइज सेम साइज रहेगा। नेचर की बात करूं तो बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड इमेज बन रही है, क्योंकि नीचे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आ रही बात बच्चों। तो यह था आपका नेक्स्ट पॉइंट एट सी, ठीक है। तो सी पर डायग्राम कैसे बनता है आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ कैसे डायग्राम बनेगा वो हम आपको बनाने वाले हैं, देखते हैं। चलिए चलिए बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट डायग्राम है बच्चों वो है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ बनाएंगे, तो मैंने एक सेटअप तैयार कर लिया आपके लिए, ठीक है। क्या है कि भाई हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ रख दिया। तो तरीका वही है बच्चों, क्या करो, सबसे पहले रे को पैरेलल डालो, जो पैरेलल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर क्या होती है, फोकस से जाती है, ठीक है।
अब दूसरी रे की बात आती है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं, पिछले केस में हमने दूसरी रे को कहां से भेजा था, फोकस से भेजा था। अब वापस आप फोकस से हटकर कहां पर आ जाओगे, सी पर आ जाओगे, यानी कि दूसरी रे को क्या करना है, इस तरीके से डालना है कि वो सी से जाए, ठीक है, सी से ही मतलब उसको आना जाना हो। तो सीधी सी बात है बच्चों, हम इसको पीछे तो भेजेंगे क्योंकि रे ऑफ लाइट तो हमें आगे भेजनी है मिरर पे, तो मिरर पे हमने कुछ इस तरीके से डाली बच्चों, जो कि क्या होगी बच्चों, बिल्कुल सी पर ही टच करेगी, यानी कि ये जो जाने का रास्ता होगा यही आने का रास्ता होगा, तो वापस जाएगी जो सी से। और आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों जो इंटरसेक्शन होगा दोनों का वो कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, समझ लो ना, सी से बिल्कुल इस तरफ। तो यानी कि जो इंटरसेक्शन हुआ वो कहां पर हुआ, बियॉन्ड सी। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि पोजीशन आ गई बियॉन्ड सी, ठीक है। और साइज कैसा होगा बच्चों, अब साइज जो है इससे पिछले वाले केस में बच्चों साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर था, तो अब जो है इस वाले केस में साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, यानी कि साइज जो है वो क्या आ जाएगा, लार्जर, या फिर आप एनलार्ज लिख सकते हो आप इसको, आपकी बुक में एनलार्ज मिलेगा, ठीक है, एनलार्ज साइज हो गया है, यानी कि साइज थोड़ा बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट से। और नेचर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि अभी भी जो डायग्राम है वो इन्वर्टेड है, और जो इन्वर्टेड होता है बच्चों कैसा होता है, रियल होता है, तो नेचर क्या आएगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये थी हमारे डायग्राम किसका, बियॉन्ड सी, सॉरी बिटवीन सी एंड एफ का, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं एट फोकस, तो डायग्राम हमारा किस पे आएगा बच्चों, एट फोकस पे आएगा। तो चलिए चलिए, तो बच्चों अभी हमारा जो डायग्राम है वो कौन सा है, एट एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे आ गया बच्चों, फोकस पे आ गया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट हमारा धीरे धीरे क्या आ रहा है, आगे होता जा रहा है, यानी कि पोल की तरफ आता जा रहा है, और हमारी इमेज क्या होती जा रही है, पीछे होती जा रही है। सेम चीज एक इसमें देखने को मिलेगी, साइज में देखने को मिलेगी, पहले साइज क्या था, इमेज का छोटा था पॉइंट साइज, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम आ गया, अब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। तो यानी कि ये चीज जो आप देख रहे हो इससे आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, तो इसको चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अभी हमारे को कहां पे बनानी है डायग्राम, हमारा जो ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, एट एफ, यानी कि फोकस पर आ गया है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए, अच्छा आपको याद है जब हमने इन्फिनिटी का डायग्राम बनाया, पहला डायग्राम जो बनाया था, तो इमेज की कहां पर ड्रॉ करी थी हमने, इमेज कहां पर आई थी, एट फोकस। तो आप सोच के देखो, अब ऑब्जेक्ट फोकस पर, तो इमेज कहां आएगी, इन्फिनिटी पे आएगी, ऑपोजिट हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस। तो यानी कि इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी कैसे, तो ध्यान से देखो, पहली रे क्या आएगी बच्चों, पैरेलल आएगी, और जो पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। दूसरी रे बच्चों आपको सेम क्या करना है, वही पॉइंट सी से ही डालनी है, ठीक है, दूसरी रे को याद रखना है बस यहाँ पर। तो आपने कुछ इस तरीके से पॉइंट पर डाली कि वो वापस सी से रिफ्लेक्ट करके वहां पर चली जाए, सी पर चली जाए। तो अब आप देखोगे बच्चों, और ये चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपको एक चीज देखने को मिलेगी बच्चों, क्या कि ये दोनों रे जो है वो पैरेलल जा रही है, ठीक है। और ये पैरेलल हमें क्या शो करती है, ये पैरेलल रे हमें ये शो करती है कि ये चाहे कितनी भी नीचे चली जाए बच्चों, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि ये इंटरसेक्ट कहां पर करेगी, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज बनेगी, हमें पता है। अब ये इंटरसेक्ट करेगी कहां पर बच्चों, तो ये इंटरसेक्ट करेगी इंफिनिटी पर। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा जो फोकस में रखा गया था, उसकी इमेज जो बनी वो हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों हम यहां पर क्या लिखते हैं, पोजीशन क्या आएगी इमेज की, एट इन्फिनिटी, ठीक है। साइज की अगर बात करूं बच्चों, जब हमें साइज जो है वो जितना नीचे जाएगी उतना साइज बड़ा होगा इमेज का, तो हम इसको बोलेंगे हाईली एनलार्ज, ठीक है, हाईली एनलार्ज, समझते हो आप, ठीक है। तो हाईली एनलार्ज, ठीक है। नेचर की अगर बात करो बच्चों, तो हमें पता है कि नीचे जा रही है, तो रे ऑफ लाइट अगर इंटरसेक्शन में इन्फिनिटी पे जा रही होगी तो वो नीचे की तरफ होगी, तो इसका मतलब है हमारी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी इस वाले केस में। तो इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो रियल होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आ गई बात। तो ये था बच्चों हमारा कौन सा केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो, फोकस पर हो, समझ में आ गया। तो चलिए लास्ट बचा है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, वो वाला डायग्राम भी हम बना लेते हैं, कौन सा, बिटवीन पी एंड एफ, ये स्पेशल डायग्राम है, ठीक है, और इसको ध्यान से देखना बच्चों। चलिए बच्चों, तो लास्ट डायग्राम है हमारा कहां पर, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, बिटवीन पी एंड एफ, तो हमने बिटवीन पी एंड एफ जो है ऑब्जेक्ट को रख दिया बच्चों। तो तरीका क्या है, कोई तरीका नहीं बदला, वही तरीका है क्या, पहली रे पैरेलल, और जो आपको पता है जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी,
ये हमारी रे जो है फोकस से पास कराई है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। अब दूसरी रे वही बच्चों सी से ही आपको जो है इस तरीके से डालनी है कि इमेज जो है बने हमारी ऐसे बिल्कुल, तो सी से जाएगी, ठीक है, तो दूसरी रे सी से चलेगी। अब बात आती है बच्चों कि एक आप ये रे देख रहे हो जो सी से वापस गई है, ठीक है, एक इधर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो यानी कि अब बात करूं मैं इस चीज की, ध्यान देखना कि एक रे नीचे जा रही है, मतलब एक रे नीचे जा रही है और एक आपकी जो है ऊपर, थोड़ा सा मतलब आगे से डिस्टेंस जो है थोड़ा अलग अलग होते जा रहा है, तो ये इंटरसेक्शन तो करेगी नहीं कहीं पर, तो बात आती है इंटरसेक्शन होगा कहां। तो बच्चों इस केस में जो इंटरसेक्शन होता है वो इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलेगा कहां पर, आगे की तरफ, यानी कि ये रे कहीं से पीछे से इंटरसेक्ट करते आ रही है, समझ पा रहे हो, यहां पर इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरसेक्शन पहले से होके आ रहा है और जब जाके उधर की तरफ जा रही है, तो यानी कि अब इस लास्ट वाले केस में बच्चों जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, तो यानी कि पोजीशन क्या होगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, साइज क्या होगा बच्चों एनलार्ज साइज होगा क्योंकि बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट से, और बच्चों जो नेचर होगा, बच्चों अब यहां पर जो इमेज बनी है वो इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज समझते हो ना, सीधी इमेज है, तो इरेक्ट इमेज होती है, तो जो इरेक्ट होगी बच्चों वो एंड वर्चुअल, और साथ में क्या होती है बच्चों वर्चुअल होती है, ठीक है, तो ये नेचर कहलाएगा इरेक्ट एंड वर्चुअल, यानी कि जो हमारे बच्चों टोटल डायग्राम थे 1 2 3 4 5 6 डायग्राम में, सभी में पहले 5 डायग्राम में बच्चों क्या हुआ इमेज जो बनी वो क्या बनी बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड बनी, लेकिन लास्ट डायग्राम में हमारा क्या देखने को मिला इरेक्ट एंड वर्चुअल बनी। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर समराइज कर देता हूँ जितना भी अभी हमने पढ़ा, तो आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग से कि डायग्राम में जो इसकी इमेज बनी थी बच्चों बिल्कुल पॉइंट साइज थी, इमेज थोड़ी बड़ी हुई, इमेज बिल्कुल बराबर आ गई ऑब्जेक्ट के, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, एनलार्ज हो गई, ठीक है, हाईली एनलार्ज मतलब इन्फिनिटी वाले केस में, तो और इसमें जो है इमेज का साइज बच्चों क्या हो गया एनलार्ज हो गया। फिर वहीं पर पोजीशन की बात करें तो आप देख रहे हो पोजीशन जो है इन्फिनिटी से लेके कहां तक एफ तक, यानी कि पोल की तरफ शिफ्ट हो रही है पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन बेटा ऑपोजिट शिफ्ट होगी, ठीक है। तो यही सारे डायग्राम थे बच्चों, आपको अगर डायग्राम को आपको अच्छा करना है तो बच्चों आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। दूसरी बात जो बच्चों प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है मेजरमेंट को लेके, तो बच्चों आपको थोड़ी सी मेजरमेंट सही रखनी है, जैसे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट होना चाहिए एफ हमेशा मिड पॉइंट पर पड़ना चाहिए, ठीक है, तो डायग्राम तभी आपके सही बनेंगे जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप इनको प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो शेयर जरूर करना, रिविजनरी एक वीडियो थी आपके लिए ताकि आपको रिविजन हो जाए एग्जाम टाइम में, बच्चों रिविजन जरूर करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो, और जो लाल वाला बटन है ना बच्चों लाल है दबा दो, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट दिया बच्चों, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, तो मिलिए अगली वीडियो में, चलिए।